में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। यू आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, कड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज अर्शद मलिक के हवाले से वीडियो स्कैंडल ने आज एक नया मोड़ लिया, बल्कि सनसनीखेज मोड़ लिया, जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सिफारिश पर वफाकी वजारत कानून ने इसी एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज जनाब अरशद मलिक को सुबकदोश कर दिया। अरशद मलिक को सुबकदोश के होने के साथ ही एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हुआ मीडिया में, क्योंकि यकीनन बहुत अहम बात थी उस वीडियो स्कैंडल का, जिसके बाद दो और वीडियोस दो दिन पहले मरियम नवाज़ ने जारी की थी। ये सूरत हाल बहुत ही एक गंभीर रुख इख्तियार कर रही थी, जिसके बाद आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ये हुक्म सामने आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून को जज अरशद मलिक की खिदमत वापस कर दी। जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में आज एक जारी कर दिया, जिसमें के एक और बहुत ही सनसनीखेज सूरत हाल तहलका खेज सूरत सामने आई, जिसमें जज अरशद मलिक ने वीडियो में मौजूद तमाम मुलाकातों में तमाम इल्ज़ाम के हवाले से तमाम जो चीज़ें सामने आई थी उसका इकरार किया। और इस दौरान वो बताते रहे कि उन्होंने अपने बयान में उन्होंने कहा कि उन्होंने ये मुलाकातें की, उन्होंने ये सफ़र किए, उसमें नवाज़ शरीफ साहब से भी उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने हुसैन नवाज़ शरीफ से मुलाकात की, उन्हें रिश्वतों की ऑफ़र की गई, उन्हें धौंस दी गई, उन्हें धमकी दी गई, उन्हें ब्लैकमेल किया गया। और उन्होंने कहा कि वो दरअसल ख़ुद धौंस धमकी और ब्लैकमेल का शिकार हुए हैं और इस तरह से एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। यकीनन ये पूरा पस मंज़र अहम है, क्योंकि इससे पहले वीडियोस सामने आई थी और आज तहरीरी बयान में अरशद मलिक ने उसको एक नया रुख दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल वो धौंस धमकी और ब्लैकमेल का खुद वो विक्टिम थे और इस हवाले से उन्होंने ये बात आज सामने रखी और अपना बयान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करा दिया है। यकीनन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये एक्शन जज अरशद मलिक की सबकदोशी और उस जज की सबकदोशी जिसने जनाब नवाज शरीफ को नायब रेफरेंस के बाद सज़ा सुनाई थी, एक बहुत बड़ा वाकया था। और हिजब इख्तलाफ, चाहे वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, उसको इसमें जनाब नवाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता नज़र आया। मरियम नवाज शरीफ मुसलसल ट्वीट करती रही कि अब नवाज शरीफ को फौरी तौर पर रिहा हो जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने समझा कि ये विंडिकेट हो गए जनाब नवाज शरीफ के, उनके खिलाफ धौंस धमकी से सज़ा सुनाई गई है और उसको उन्होंने उस अंदाज से पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी ने कहा कि अरशद मलिक तो वही हैं जिनके पास जरदारी साहब की भी केस है, उन्होंने अपना एंगल लिया। एक प्रेस रिलीज दिया, आज एफिडेविट दे दिया, कल टीवी पर बयान दे देगा, उसकी कोई हकीकत नहीं है। आज सबूत के साथ ये साबित हो गया है कि इन अदालतों के फैसले एहतराम के काबिल नहीं हैं, ये मोहतरम फैसले नहीं हैं, ये दबाव के फैसले हैं, ये ब्लैकमेल के फैसले हैं। इन अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा, ये अदालतें दबाव में हैं, आज उसके सबूत अवाम के सामने आ चुके हैं। ये तो एक जज पकड़ा गया है, कल हमें क्या पता हर जज ब्लैकमेल हो रहा हो, क्योंकि जब हुकूमत ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, हुकूमत दबाव डालना शुरू कर दे, तो फिर इंसाफ का निज़ाम क्या चलेगा। आज पूरे मुल्क में जो इंसाफ का निज़ाम है उस पर सवालिया निशान है। जहाँ तक वो वीडियो की बात है, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और हमारा सुपीरियर जुडिशरी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हमने देखा कि उसी जज को हटाया गया, मुझे ये भी नहीं पता कि कितना सच है इस वीडियो में या नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक जो आपने देखा मैंने भी देखा, और इसलिए हम कहते हैं कि सुपीरियर जुडिशरी को इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन ये सवाल पूछना मेरा हक बनता है कि ये क्या कोइंसिडेंस है कि ये जज मियां साहब का केस भी सुने, यही जज सदर जरदारी का केस भी सुने, यही जज दूसरों का केसेस भी सुने, कुछ तो दाल में काला है।
इस मामले में बहुत अहम आज डेवलपमेंट हो गई क्योंकि बहुत शदीद दबाव था। एक तरह से हमने देखा था लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से मुतालबा था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस नौयत के इस बहरानी मामले का यकीनी तौर पर नोटिस लेना होगा या वहाँ पर इस बात का फैसला होगा क्योंकि मामला जजिस की इमेज का है, निज़ाम इंसाफ के इमेज का है और ये सिर्फ एक आइसोलेटेड तनहा वाक़िया नहीं है। दूसरे मामला जो है इस वक्त चल रहे हैं और यकीनन जुडिशरी का और निज़ाम इंसाफ का जो इमेज है वो इस वक्त शदीद दबाव में है और आज इसमें एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इस मामले को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया क्योंकि इस हवाले से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस गुलजार अहमद जो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और जस्टिस शेख अजमत सईद जो तीसरे सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के, इस पर मुश्तमिल तीन रुकनी बेंच तश्कील दे दी गई है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 16 जुलाई को यानी मंगल के रोज़ इसकी समाअत शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया है। दूसरी जानिब जैसे कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं नवाज शरीफ की जो सज़ा हुई थी इस जज के दौरान के हाथों जो सज़ा उनको सुनाई दी गई थी इसका फैसला उस अपील में होगा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। बहुत ही धमाका खेज सूरत हाल है, हर लिहाज से बहुत ही गंभीर और पेचीदा कैफियत है। इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नामवर माहिर कानून जनाब बैरिस्टर साद रसूल। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। जज अरशद मलिक का पहला प्रेस रिलीज हो, आज का उनका डिटेल्ड स्टेटमेंट हो, उससे पहले वीडियोस हो, एक चीज़ तो साबित हो गई कि जज साहब का पूरा जो निज़ाम था या जो उनका कंडक्ट था जो उनका रोज़ो शब थे वो माफ़ कीजिएगा बहुत शेडी पूरा सिलसिला है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। खान साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, अगर मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मनोअन दुरुस्त हो और उनकी जो वीडियो उन्होंने प्रेजेंट की थी अगर वो पूरी तरह से तस्लीम कर ली जाए तो बाकी कोई और कॉन्सिक्वेंस हो ना हो, नवाज शरीफ साहब के फैसले वापस हो या ना हो, उनको रिहा किया जाए या ना किया जाए, कम अज़ कम ये बात तो इस्टेब्लिश हो जाएगी कि जज अरशद मलिक साहब जो हैं वो अपने मनसब के लायक कम अज़ कम प्राइम ऑफिशियल नहीं रहे। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो चाहे हम वो वर्जन लें, हम वो पोजिशन लें जो कि मरियम नवाज शरीफ की है एक वीडियो और बहुत ही एक्सटेंसिव उसमें पूरे मामलात हैं, फिर दूसरी वीडियोस जिन्होंने जारी की है वो एक तरफ रखें, हम उसको ना लें, हम जज साहब का ही वर्जन ले लें जो आज उन्होंने दिया है, हम उनका वो वर्जन ले लें जो उन्होंने प्रेस रिलीज में दिया था, हम जज साहब का वो वर्जन मान लें जो कि उन्होंने आज दिया है। उसके बावजूद भी वो जज एहतसाब अदालत पाकिस्तान की सियासी किस्मत का फैसला कर रहे हैं, ये तो हम सब के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि वो इस किस्म की शख्सियत थी जो कि ये जिसके हाथ में पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप की किस्मत का फैसला करना था। खान साहब मैं तो इससे भी ज़्यादा कहना चाह रहा था पहले भी कि अगर मरियम साहिबा की वर्जन ली जाए तो वो तो भी जज साहब जो अपने मनसब के लायक का उनका रवैया कम से कम अदालत से बाहर नहीं लगता, अगर जज साहब का अपना वर्जन ले लिया जाए तो भी कोई सूरत ऐसी नहीं है जिसके के अंदर जज साहब की क्रेडिबिलिटी इंडिविजुअली पर्सनली ख़राब ना हुई हो। केस के मेरिट्स के ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ जज साहब की पर्सनल कॉन्डक्ट का उनके जजी के मनसब से बात कर रहे हैं, इसके ऊपर तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं और बल्कि किसी को दो राय होनी भी नहीं चाहिए। आपने एहतसाब के अमल की बात की, एहतसाब क्या अगर ऐसे कॉन्डक्ट के हामिल किसी शख्स को सिविल जज लगा दिया जाए जहां पे वो रेगुलर दीवानी मुकदमे अल्लाह देता और बूटा खान के दरमियान में सुन रहा हो तो भी ये इस बारे में लाइक नहीं। हमारे अदलिया का निज़ाम, हमारे अदल का निज़ाम इंडिपेंडेंस के ऊपर खड़ा हुआ है, शफाफियत के ऊपर खड़ा हुआ है, तो जो जज साहब का पर्सनल कॉन्डक्ट है मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक या उनके अपने बयान के मुताबिक आइदर वे इस और शायद यही वजह है कि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जरूरी समझा कि सबसे पहले तो जज साहब को सबकदोष कर दिया जाए क्योंकि कल तक तो वो अदालत में बैठे हुए थे और वो केसेस सुन रहे थे इस सारे बैकग्राउंड के बावजूद। खान साहब बिल्कुल ये देखिए ये बड़ी आपने इम्पॉर्टेंट बात की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी नवाज शरीफ साहब का फैसले के खिलाफ अपील जो कि जेर समात अभी होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके बारे में कोई बात नहीं की, उसने उस फैसले के बारे में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फाजिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले के बारे में भी बात नहीं की जो कि जेर अपील नवाज शरीफ साहब के सामने है, ना उसके ऊपर कोई कॉमेंट किया ना उसके मुताबिक कोई बात हुई।
जो कॉन्डक्ट ऑफ द जज है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है मेरिट्स ऑफ द फैसले से. जो 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 फैसले के हकायक हैं वो अपने शवाहिद पे, अपनी मनी ट्रेल पे, मनी ट्रेल होने या ना होने के ऊपर नवाज शरीफ साहब का फैसला या अपहोल्ड होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या स्ट्राइक डाउन होगा. लेकिन जज साहब के कॉन्डक्ट के ऊपर मेरे ख्याल इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उसी तरह उसको देख रही है जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस वजह से ये आज उनकी अपने मनसब से लेना. मगर बैर साहब इसमें एक बड़ी बड़ी दिलचस्प सिचुएशन ये है कि और दो लोग केसेस जो नवाज शरीफ के थे वो उन्होंने सुने हैं, एक में उन्होंने बरी कर दिया है, एक में उन्होंने सज़ा दे दी है. तो अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पोजीशन देखें तो सज़ा वाला उन पर अप्लाई हो जाएगा, जज साहब की पोजीशन देखें तो बरी वाला उन पर अप्लाई हो जाएगा. यानी कि ये दोनों केसेस जो हैं ये तो अब डॉल्ड्रम्स भी इनका बनेगा क्या, क्योंकि दोनों केसेस का जो जो आउटकम है वो उसके लिए दोनों हमारे पास अकाउंट मौजूद है. ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारी जो जज साहब की अदालत से बाहर की कार्रवाइयाँ हैं या उनकी बाहर की जो कॉन्डक्ट है वो इस तरह का है कि इस सिचुएशन में जहाँ पे उन्होंने दो केस सुनते हुए एक में बरी और एक में सज़ा दी वो दोनों तरफ फिट हो जाएगा. लेकिन मैं बतौर वकील भी और बतौर एक शहरी भी ये बात करता चलूँ कि जहाँ पे जज साहब के पर्सनल कॉन्डक्ट को ना किसी सूरत में डिफेंड किया जा सकता है ना करना चाहिए, लेकिन ये केस जो है इस केस के मेरिट्स जो हैं वो उनका जज साहब के पर्सनल कॉन्डक्ट से ज़रूरी नहीं के ताल्लुक हो, क्योंकि ये वो केस है जिसके शवाहिद पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर टेस्ट हो चुके थे, फिर उसके बाद GIT के अंदर टेस्ट हो चुके थे, फिर जज साहब के पास नैब के सामने रेफरेंस आया और अभी भी इस केस के शवाहिद और इसके तमाम दलाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हैं. तो बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए. लेकिन वो जो शवाहिद दलाइल हैं वो तो जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील तो जजमेंट हुआ है ना, उस जजमेंट के ख़िलाफ़ अपील हुई है, जो जज साहब ने जजमेंट दिया है उसके ख़िलाफ़ अपील हुई है. शवाहिद और तमाम जो उसके मटेरियल है वो तो एग्जामिन नहीं कर रही इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो तो उस जजमेंट के सुकब को देख रही है. और आफ्टर ऑल जब जिस तरह का जज साहब का कंडक्ट रहा है इसका मतलब ये कि ये दोनों मामला जो 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 एक्विटल है नवाज शरीफ का और जो सज़ा है दोनों, ये तो अफ्रेश देखना पड़ेगा ना जज साहब के किसी भी मामले को किस दिल से हम मान लें. खान साहब मैं एक थोड़ी सी लीगल करेक्शन इसमें करता चलूं कि कानून का फ्रेज़ है जो कि हमारे एक नहीं हज़ारा जजमेंट्स के अंदर मौजूद है, हमारे अंदर भी, इंडिया के कानून में भी, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, जिसको कहते हैं कि अपील इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रायल. यानी कि जो अपील अदालत आलिया के सामने है वो सिर्फ ये चीज़ नहीं उस अपील में देखी जाएगी कि नीचे की जजमेंट के अंदर क्या गलती थी, अपील में अदालत आलिया के पास पूरा इख्तियार है कि वो वापस तमाम एविडेंस पढ़ाए, वो वापस तमाम क्रॉस एग्जामिनेशन एग्जामिन करे, वो एक एक कागज़ को वापस देखे अगर करना चाहे तो. इख्तियार है अदालत के पास कि अपील की जुरिसडिक्शन में, ये अपील की जुरिसडिक्शन 1843 की जुरिसडिक्शन नहीं है या अदालत आलिया की 199 की जिसको रिट जुरिसडिक्शन कहते हैं वो नहीं है. जब भी किसी केस की अपील ट्रायल कोर्ट से ऊपर आए तो अपील के अंदर तमाम शवाहिद वापस देखे जा सकते हैं, जिस वजह से मैं कल परसों भी शायद आपके आपके शो में भी ये शॉर्ट चला कि मेरा इसमें ख्याल है कि इसके अंदर तीन बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने होंगी. सबसे पहले ये कि अगर ये कल को प्रूव होता है कि मरियम नवाज साहिबा की वीडियो, ऑप्शन नंबर वन के अगर प्रूव होता है कि मरियम नवाज साहिबा की वीडियो जो है वो उसके फोरेंसिक में दुरुस्त नहीं थी, वो उसके अंदर कुछ सुकुम थे, वो एडमिसिबल नहीं थी, तो अपील के अंदर जजमेंट अपहोल्ड हो सकती है. दूसरी ऑप्शन ये कि पता चलता है कि वीडियो दुरुस्त थी और ये जजमेंट ठीक नहीं आई और जज साहब ने किसी इन्फ्लुएंस के नीचे जजमेंट दी है, किसी प्रेशर में जजमेंट दी है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजमेंट को सेटिसाइड कर सकता है और रिमांड करके कह सकता है कि फिर से कोई नई अदालत, कोई नए जज साहब इसको वापस सुने, असर नौ केस को सुने, डिनोवो ट्रायल करें. तीसरी ऑप्शन जो है, जो कि मेरे ख्याल में काफी ज्यादा लाइकली है, वो ये है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट कहे कि हम अपील में बैठे हैं, हम तमाम शवाहिद देख सकते हैं, हम तमाम शवाहिद को फिर से परख सकते हैं अपील में बैठे हुए, तो नवाज शरीफ साहब के वकला हजरात और फैमिली से कहे कि आप हमें अपनी मनी ट्रेल दिखा दें और नैब से कहे कि आप हमें अपने शवाहिद दिखा दें और हम फैसला कर देते हैं. तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास अपील के अंदर तमाम शवाहिद देखने के इख्तियारात हैं जो जो भी ट्रायल के ऊपर पेश किए गए, जैसे जैसे भी पेश किए गए. एक्सलेंट, थैंक यू सो मच. बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ मौजूद थे. कमर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे इल्जामात, बला के इल्जामात हैं जो अब जज अरशद मलिक ने लगाए हैं शरीफ खानदान के हवाले से, मगर उसके साथ उन्होंने एतराफात किए हैं और वो भी बला के एतराफात हैं जो उन्होंने किए हैं.
हुसैन नवाज शरीफ से मदीना में मिल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं जाती उम्रा में, और फिर रिश्वतों की बात उनको ऑफ़र की जा रही है। ये तमाम चीज़ें जो है इन इल्ज़ाम में मौजूद हैं, और अब इस्लामाबाद की इंतसाब अदालत में होगा कहा, जहाँ पर वो 60 मुकदमात सुन रहे थे। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। इस्लामाबाद की इंतसाब अदालत के जज अरशद मलिक अपने अहदे से सुबकदोश तो हो गए हैं, लेकिन जज साहब ने आज अपने इस बयान में एक इल्ज़ाम का पिटारा खोल दिया है। तमाम मुलाकातें मान ली हैं, आने जाने को कहीं भी आने जाने को मान लिया है। दूसरी जानब वो वीडियोज़ हैं जो मरियम नवाज शरीफ ने जारी की हैं, जिसमें जज साहब पर बहुत ही संगीन मामलात सामने आ रहे हैं। वो गुफ्तगू करते नज़र आ रहे हैं, बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये तमाम मामलात जो इससे पहले उन वीडियोज़ के ज़रिए सामने आए हैं उसके हवाले से आज जज साहब ने अपना एक बयान दिया है। हर लिहाज से इन तमाम मामलात की तहकीकात यकीनन, और अगर वाकई एक इंडिपेंडेंट तहकीकात हो जाए कि जज साहब पर किसका दबाव था, क्यों दबाव था और किस अंदाज से दबाव हुआ, जैसे जिसका कि आज जज साहब ने जिक्र किया, या वो वीडियो जिसमें कि जज साहब कुछ और कहते हुए नज़र आ रहे हैं, वो किस अंदाज का दबाव था, ये सारी सूरत हाल जो है अगर ये पूरी सामने आ जाए, यानी कि जिसको हम आम जबान में कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो जो लोग जो जानने वाले हैं वो जो इन हालात को समझते हैं उनका कहना है कि कई लोगों की लुटिया डूब जाएगी और ये बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है जो खुल जाएगा अगर इस वाकई की वाकई सैर हासिल और हकीकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जाए। जज अरशद मलिक ने आज अपने हल्फिया बयान में, जिसका कि कोई जिक्र और कोई अंदाज़ा नहीं था उनकी उस प्रेस रिलीज में जो कि उन्होंने चंद रोज़ पहले जारी की थी इस पूरे स्कैंडल के हवाले से, उसमें एक बिल्कुल एक नया एलिमेंट उन्होंने डाला और कुछ चश्म कुशा उनके हवाले से इंकशाफात उन्होंने किए। वो लिखते हैं कि वो अपने अहले खाना के साथ उमरे पर गए, जहाँ हुसैन नवाज शरीफ ने उन्हें 50 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश कर दी। पूरे ख़ानदान को बरतानिया या कैनेडा या मर्जी के किसी मुल्क में सेटल कराने का उन्होंने कह दिया। जज अरशद मलिक ने धौंस धमकी और लालच के हवाले से अपने बयान हल्फी में नासिर भट्ट के अलावा मेहर जिलानी और नासिर जंजुआ का भी जिक्र किया, जो कि जिक्र इससे पहले मौजूद नहीं था। जज अरशद मलिक ने अपने हल्फिया बयान में लिखा कि 6 अप्रैल 2019 को जाती उमरा में वो नवाज शरीफ से भी मुलाकात कर चुके हैं। इस पूरे मामले के हवाले से ये बहुत ही सनसनीखेज़ इल्ज़ाम है, ये इंकशाफ है जो जज अरशद मलिक ने किया कि वो ये केस के जज भी थे और वो जनाब नवाज शरीफ से मिल भी रहे थे। जज अरशद मलिक ने हल्फिया बयान दिया कि उन्होंने नवाज शरीफ के मुंह पर कहा कि मैं मेरिट पर मैंने फैसला दिया है, जिस पर नवाज शरीफ ने नागवारी का इजहार किया। जज साहब का इशरार था कि वो जाती उमरा गए, नवाज शरीफ से मिले और वहाँ जाके उनके मुँह पर उन्होंने कहा कि मैंने आपके खिलाफ सही फैसला दिया है। मगर हर लिहाज से जज अरशद मलिक का आज का बयान जो है वो बहुत ही सनसनीखेज है। जज अरशद मलिक के मुताबिक फरवरी 2018 में एहतसाब अदालत के जज के तौर पर तैनाती के बाद उनकी मेहर जिलानी और नासिर जंजुआ से मुलाकात हुई। नासिर जंजुआ ने बताया कि उन्होंने सिफारिश करके इन्हें जज लगवाया है। जज अरशद मलिक लिखते हैं कि उन्होंने नासिर जंजुआ से कहा कि मैं इस ओहदे का ख्वाहिशमंद नहीं था, क्योंकि मैं ज़िले में सेशन जज तैनात था। जज अरशद मलिक ने हल्फिया बयान में लिखा है कि अगस्त 2018 में फ्लैगशिप और हिल मेटल रेफरेंसेस इनकी अदालत मुंतकिल हुए। ट्रायल के दौरान मुख्तलिफ मौके पर नवाज शरीफ के हामियों और साथियों ने रिश्वत की पेशकश की। रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को बरी करने के लिए धमकियां भी दी गईं। जज अरशद मलिक के मुताबिक दोनों रेफरेंसेस में दलाइल के मौके पर दोबारा नासिर जंजुआ और मेहर जिलानी ने राब्ता किया। इस मरतबा नासिर जंजुआ ने नवाज शरीफ की तरफ से रिश्वत की ऑफर की। बताया गया कि नवाज शरीफ मुंह मांगे दाम देने को तैयार हैं। जज अरशद मलिक ने हल्फिया बयान में दावा किया है कि नासिर जंजुआ ने 20 मिलियन यूरो रिश्वत की पेशकश की, जिस पर उन्होंने कहा कि वो अपने हल्फ से गद्दारी नहीं करेंगे। रिश्वत की पेशकश ठुकराने पर नासिर भट्ट ने धमकियां दी। नासिर भट्ट ने कहा कि नवाज शरीफ के उस पर बहुत एहसानात हैं, उसे कत्ल के 5 मुकदमात में बचाया, नवाज शरीफ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। जज अरशद मलिक ने कहा कि नासिर भट्ट ने उनकी 15 साल पुरानी मुल्तान की वीडियो दिखाकर भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की और कहा कि आपको नवाज शरीफ से मिलना होगा। 6 अप्रैल 2019 को जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। जज अरशद मलिक ने हल्फिया बयान दिया है कि उन्होंने नवाज शरीफ के मुंह पर कहा मैंने मेरिट पर फैसला दिया, जिस पर नवाज शरीफ ने नागवारी का इजहार किया।
जज अरशद मलिक कहते हैं कि नासिर भट्ट ने ब्लैकमेल करके ऑडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की। नासिर भट्ट ने कहा कि नवाज शरीफ के सामने मेरी मर्जी का बयान नहीं दिया, अब एक और काम करो, नवाज शरीफ की अपील का जायजा लो और अपनी तजावीज़ दो। बयान हल्फी में जज अरशद मलिक ने बताया कि नासिर भट्ट अपील का मुसव्वदा लेकर उनके घर आया, ना चाहते हुए नवाज शरीफ की अपील का मुसव्वदा पढ़ा। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मालूम हुआ अपील पढ़ते वक्त वीडियो रिकॉर्ड की गई। ये वो बयान है जो जज अरशद मलिक ने आज तहरीरी बयान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया है, और इस बयान का पस मंज़र वो तमाम वीडियोज़ हैं जो मरियम नवाज शरीफ ने जारी की थी। उन वीडियोज़ में जज अरशद मलिक को जो जिस अंदाज से बात करते हुए दिखाया गया है, जो तमाम गुफ्तगू उन्होंने की है, उस हवाले से वो सबूत वीडियो और ऑडियो की सूरत में मौजूद है, जिसका जवाब आज तहरीरी सूरत में जनाब अरशद मलिक ने दिया है। इस बहुत अहम बात यह है कि जज साहब ने अपने बयान में कई सवालों का जवाब बहरहाल अभी तक नहीं दिया है। हो सकता है कि जब ये इन्वेस्टिगेशन हो अदालत में जाए तो वो कब हो सकता है इसका जवाब दें। मिसाल के तौर पर पहला सवाल ये है कि इस इंतहाई गैर मामूली धौंस धमकी और ब्लैकमेल की सिचुएशन, इस कौमी अहमियत के सबसे अहम तरीन केस पर जिससे वो गुजर रहे थे, वो खामोश क्यों थे? ये बहुत अहम सवाल है। जज साहब, नासिर भट्ट, महर जिलानी, नासिर जिनवर से मुलाकात क्यों मुसलसल वो मुलाकातें कर रहे थे, क्यों मुसलसल वो उनसे मिलते रहे? इससे पहली मुलाकात में अगर उनको पता चल गया था कि एक ब्लैकमेल का सिलसिला उनके खिलाफ शुरू हो चुका है, ये भी नहीं बताया जज साहब ने कि रमज़ान में उम्रे के दौरान उन्होंने हुसैन नवाज से क्यों मुलाकात की, और उम्रे के दौरान उनकी नासिर भट्ट से कैसे मुलाकात हो गई, और फिर वहाँ पे कैसी सूरत हाल बनी, और वो क्यों हुसैन नवाज से मिलने के लिए यकीनन उनके होटल में गए होंगे, फिर वो चले गए, ये सब कैसे हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका पस मंज़र जानना ज़रूरी है। जज साहब, नासिर भट्ट के कहने पर नवाज शरीफ से मिलने फिर जाती उमरा भी चले गए, इसकी उनको क्यों ज़रूरत महसूस हुई, और वो फिर क्यों जाती उमरा चले गए, और इतना अहम वो काम कर रहे थे कि वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मिलने उनके घर जा रहे थे, इसकी इत्तला उन्होंने अपने सुपरवाइजरी जज को या सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज को या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दी या नहीं दी? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि वो नवाज शरीफ से मिलने उनके घर चले गए थे। जज साहब ने नासिर भट्ट को अपने घर बुलाकर अपील के मुसव्वदे पर तजावीज़ क्यों दी, ये भी बहुत अहम बात है, क्योंकि जिस अंदाज से वो तजावीज़ देते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बहरहाल एक्सपर्ट बताएंगे कि क्या वो किसी इंतहाई दबाव में ज़बरदस्ती कोई तजावीज़ दे रहे हैं या विलिंगली इस पर अपना जवाब दे रहे हैं। जज साहब इतनी धमकियों के बाद भी नासिर भट्ट से अपनी पुरानी शनाशाई बताते रहे, ख़ासतौर पर पहली प्रेस रिलीज पर उन्होंने इस किस्म की किसी सूरत हाल के इजहार नहीं किया था कि दरअसल जो पूरा माहौल, जो वीडियो आई है जिसके जवाब में उनकी पहली प्रेस रिलीज सामने आई, दरअसल वो उसमें वो पूरे माहौल का पस मंज़र ये थे कि वो खुद ब्लैकमेल हो रहे थे रिश्वत और धमकियों से। तो ये तमाम मामलात से सुप्रीम कोर्ट, जो कि इस मामले की मॉनिटरिंग कर रही थी, एक मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद थे, आखिर क्यों उनको उन्होंने पिक्चर में नहीं लिया, क्यों उन्होंने उसका नोटिस नहीं लिया, ये बहुत अहम सवालात हैं जो जज अरशद मलिक को बहरहाल देने हैं, और फिर इन सवालात के जवाबात से जुड़े हुए हैं दूसरे कई बहुत अहम मामलात। लेकिन ये बहुत ही बहुत बड़ा वाकया, ये आज की जो तब्दीली है बहुत बड़ी, क्योंकि जो मुल्क भर में जो एहतसाब का अमल चल रहा है उसका फोकस इस्लामाबाद है, और नैब इसकी तहकीकात करती है, और ये तमाम मामलात बिल आखिर पहुँचते हैं एहतसाब अदालत में, नैब की इस्लामाबाद में, जिसपे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। और ये मामलात हैं, एक जानब आसिफ अली जरदारी, उनसे मुंसलिक जो मामलात हैं, जो करप्शन के की चीज़ें हैं, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस है, और इसके अलावा जो फेक बैंक अकाउंट केस है, ये भी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पहुंच चुका है। इसके अलावा जनाब नवाज शरीफ के मामलात हैं, वो भी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में हैं, और दूसरे जो मामलात आने वाले हैं वो भी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में है। और वहाँ पर इस किस्म का स्कैंडल सामने आना और एक जज का उसको फारिग कर दिया जाना, हर लिहाज से बहुत बहुत बड़ी मोमेंटस डेवलपमेंट है। इस पर मज़ीद बात करते हैं, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। ये बताइएगा कि क्या क्या मामलात हैं जो इस्लामाबाद की इन एहतसाब अदालतों में मौजूद है, जहाँ पर ये इस सनसनी खेज और हिला देने वाले स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान की सियासी जो इस वक्त क़यादत है उसके कितने अहम मामलात, पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल के कितने अहम मुकदमात जो है वो इन एहतसाब अदालतों में मौजूद हैं।
कामरान साहब, बहुत अहम केसेस हैं इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में, और खसूसन जज एहतसाब अदालत जो नंबर दो कोर्ट के जज हैं मोहम्मद अरशद मलिक साहब, इनकी कोर्ट में तो बिलखसूस बहुत अहम केसेस थे। दो साबिक वज़राए आज़म के केसेस ट्रायल अंडर ट्रायल हैं, जिसमें राजा परवेज़ अशरफ हैं उनके खिलाफ रेंटल पावर करप्शन के केसेस हैं, यूसुफ़ रज़ा गिलानी के खिलाफ जो इश्तहारात के ठेके हैं, इसके अलावा तौकीर सादिक की जो अपॉइंटमेंट थी एज ओगरा चेयरमैन वो केस पेंडिंग है, इसके अलावा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो भी एहतसाब अदालत नंबर दो में है, फरियाल तालपुर साहिबा के खिलाफ है, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं जिसमें जो दीगर रहनुमा हैं उनके खिलाफ भी केसेस अकाउंटेबिलिटी कोड नंबर टू में ही जेर समात हैं, और मजमुई तौर पर 60 मुकदमात हैं, और ये सारे ही अहम शख्सियात हैं, बड़े केसेज हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी के केसेस हैं, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के केसेस हैं, और नैब ने ये रेफरेंसेस बाकायदा तहकीकात तो क्या खबर है कि अब वजारत कानून इंसाफ जो है वो उनकी ये जिम्मेदारी है कि तायुन करे कि कौन अब एहतसाब अदालत का जज होगा और अरशद मलिक की जगह कौन ये जिम्मेदारियाँ संभालेगा, ये जिम्मेदारी क्या कुल्ली तौर पर वजारत कानून की है? कामरान साहब, कानून ये कहता है कि चीफ जस्टिस जो कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे किसी भी स्पेशल कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए, सेशन जज लेवल के ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा स्पेशल कोर्ट में बतौर जज जुडिशियल ऑफिसर, तो जो कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो रिकमेंडेशंस देंगे और वजारत कानून उस पर सिफारिशात तैयार करके समरी सदर को इरसाल करेगी और फिर सदर उसकी मंजूरी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, न्यूज हेडलाइन देख लें, जिसके बाद आज के दिन के हवाले से ये इंतहाई अहम दिन है, इस पर ये हमारा खुसूसी प्रोग्राम जारी रहेगा एक छोटे से वक्फे के बाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तजियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। हर रोज वाकयात सामने आ रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिससे लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं। कुछ में बराह रास्त उनका किरदार है, कुछ में उनका कोई किरदार नहीं, लेकिन बहरहाल परेशानियां, मुश्किलें डील उन्होंने ही करनी है। एक से एक बढ़कर मुश्किल और मसला उनके सामने आ रहा है, उनके फैसलों के लिए यकीनन उन पर दबाव है, कहीं वो झल्लाहट का शिकार हो जाते हैं उनकी फैसला साजी, और कहीं घबराहट का शिकार नज़र आती है, जिसकी वजह से पूरा माहौल एक अनसर्टेनिटी का शिकार है और हुकूमत पर दबाव बढ़ता नज़र आ रहा है, और अपोजिशन इस पूरे माहौल में जान पकड़ती नज़र आ रही है, क्योंकि माहौल आवाम के लिए भी परेशान कुन है। बहुत अहम डेवलपमेंट आज हुई है, जब एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया कि अब उनको फारिग कर देना चाहिए। पस मंज़र हुकूमत के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इस पस मंज़र की बुनियादी वजह वो वीडियोस थी जो मरियम नवाज शरीफ ने जारी की जज अरशद मलिक के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिए को तकवीत ये मिल रही थी कि जनाब नवाज शरीफ के साथ दरअसल इंसाफ नहीं हुआ है और उनको उनके खिलाफ फैसला धौंस और धमकी से लाया गया, सियासी बयानिए को फ़ायदा मिला, और यकीनी तौर पे ये हुकूमत के लिए एक मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि वो इस पूरे माहौल में एक एहतसाबी अमल जारी रखी हुई है। जनाब इमरान खान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने वादे पर अमल करते हुए दिखाई दें, आवाम को साबित करें कि पाकिस्तान के दोनों बड़ी सियासी जमातों की लीडरशिप, जिनको वो हमेशा इंतहाई करप्ट और इंतहाई मुतनाज़िया बता चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो, लेकिन ये मामला जज अरशद मलिक के वाक़े ने इस पूरे माहौल को ख़राब कर दिया है। ये उस वक्त हुआ है जब वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे, और यकीनन उनको अभी भी मसले का सामना है, वो वीडियो जो चेयरमैन नैब के हवाले से सामने आए थे, वो मामला जो चेयरमैन नैब के हवाले से सामने आए थे, यकीनन उसने भी नैब की कारकर्दगी के हवाले से कुछ सवालात उठाए थे, वो भी एक मुश्किल मामला था। उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि अब एहतसाब अदालत के जज के हवाले से वो मटीरियल सामने आ गया है, जो कि हर लिहाज से साबित करता है कि एहतसाब अदालत के जज एक इंतहाई मुतनाज़िया शख्सियत थी। इसी माहौल के दौरान अभी उनको सामना करना है चेयरमैन सेनेट सादिक सिजरानी की तब्दीली का, जिसको कि हुकूमत सपोर्ट कर रही है, अपोजिशन जमातें बहुत मजबूत पोजीशन में मौजूद हैं, और पहली बार एक इत्तेहाद अपोजिशन का बन चुका है उनके खिलाफ, जिसके नतीजे में हम देख सकते हैं, ये बात खारिज इम्कान नहीं है कि सादिक सिजरानी को अपोजिशन
हटा दें, उसके नंबर्स ज़्यादा हैं और हुकूमत जो कि सादिक सिजरानी साहब के साथ चेयरमैन सेनेट के हिस्से से खड़ी है उसके लिए सुबकी हो और अपोजिशन को एक बहुत अच्छी कन्विंसिंग सूरत हाल का सामना करना पड़े। ये एक बड़ी परेशानी है सियासी तौर पे जिसका सामना इमरान खान कर रहे हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया के हवाले से हुकूमती मामला जो हैं वो एक टेंस नज़र आते हैं, उसमें कोई स्मूथ सेलिंग नज़र नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस जारी कर चुकी है हुकूमत, हुकूमत खुद शिकायती है। सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब जस्टिस काजी फायजी साहब और सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस के आगा के ख़िलाफ़ और उसके हवाले से मिसकंडक्ट की शिकायती हुकूमत है और ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। इसके अलावा एहतसाब अदालत का मामला जो है वो अपनी जगह मौजूद है। यकीनन ये हर लिहाज से हुकूमत के लिए और वज़ीर आज़म के लिए कोई सहल मामला नहीं है, एक मुश्किल सूरत हाल है। उन मुश्किल सूरत हाल में जो कि मैंने आपके सामने कई पेश की हैं, ये मामला भी एक बहुत मुश्किल कैफियत का सामना कर रहा है। बहुत बड़ा प्रेशर है जनाब इमरान खान पर, उनकी हुकूमत पर, क्योंकि दस्तावेज़ी मईशत के सिलसिले में जो इकदाम किए गए यकीनन ज़रूरी इकदाम थे मगर उसका रद्दअमल है और अवामी सतह पर रद्दअमल सामने आ रहा है। ताजर इस पर गुस्से में है, वो एहतजाज कर रहे हैं, ताजिर भी, सनतकार भी, बिजनेस कम्युनिटी भी, और इस सिलसिले में पहला एक एहतजाज होगा कल जब पूरे पाकिस्तान में ताजिर इत्तेहाद ने स्ट्राइक कॉल की है, शट डाउन स्ट्राइक होगी पूरे पाकिस्तान में। देखते ये हैं कि उसका रद्दअमल क्या होता है, लेकिन बहरहाल एक सीज़न शुरू होने वाला है स्ट्राइक्स का, एहतजाज का, कारोबारी और तजारती हलकों की जानिब से, जिसका के सामना करना होगा इमरान खान को और उनकी हुकूमत को। ये मुश्किल खड़ी होगी, ये मुश्किल सामान होगा और उन मुश्किलात में इजाफा करेगा जो जिसका के सामना इस वक्त इमरान खान और उनकी हुकूमत कर रही है। एक और मसला, कठिन मसला है, बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं हो रहा और वह है मनी लॉन्ड्रिंग और मालियाती जराइम पर मुकम्मल काबू ना पाने की वजह से एफएटीएफ की तलवार जो कि ताहाल लटक रही है। एफएटीएफ ने हुकूमत से जवाब मांगे हैं, इकदामात और ठोस और मीनिंगफुल और प्रैक्टिकल इकदामात हुकूमत को करने हैं, एफएटीएफ को कन्विंस करना है। ये सूरत हाल सहल नहीं है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। बराह रास्त खुद वज़ीर आज़म इसको हैंडल कर रहे हैं लेकिन उन्हीं मुश्किलात में शामिल है जिसका कि मैंने इजहार किया, और उस मुश्किलात की फहरिस्त में ये एक इम्पॉर्टेंट मामला है। यकीनन ये पूरा माहौल जो है इसकी वजह से दबाव का शिकार है हुकूमत और इमरान खान, जिनको कि इस टफ सिचुएशन के अंदर जिसमें माशी सूरत हाल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेंटीमेंट्स नहीं हैं, जिसकी वजह से मुसलसल पाकिस्तान में कारोबार में तनजनी नज़र आती है। स्टॉक मार्केट का इंडेक्स अपनी जगह से हिल नहीं रहा, उसमें मुसलसल तनजनी नज़र आ रही है, कारोबार में एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है, सेंटीमेंट्स नहीं हैं, एक्साइटमेंट नहीं है, और इसी पस मंज़र में ये तमाम मसाइल हैं जो मैंने आपके सामने रखे। और शायद यही वजह है कि हुकूमत इस पूरे माहौल में जो फैसला साजी कर रही है या प्राइम मिनिस्टर जो फैसला साजी कर रहे हैं उसमें कहीं हमें झल्लाहट की असर नज़र आता है, कहीं घबराहट का शिकार नज़र आती है उनकी फैसला साजी और जो कि आया हो रही है। मिसाल के तौर पर हमने देखा दो रोज़ कबल वज़ीर आज़म ने हमाद अजहर को वफाकी वज़ीर रेवेन्यू का कलमदान सौंप दिया और अगले ही दिन उनसे वजारत वापस लेके उन्हें वज़ीर इक्तसादियात बना दिया। गोया के इस सिलसिले में कोई थॉट प्रोसेस नहीं था, कोई सोबर थिंकिंग नहीं थी, एक प्रेशर के अंदर डिसीशन मेकिंग हो रही है जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल थी जिस अंदाज से हमाद अजहर के पोर्टफोलियो में इजाफा किया गया, उनको एलिवेट किया गया, एक फुल फ्लेज मिनिस्टर की हैसियत से फिर उसको शफल किया गया। ये सब कुछ ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं घबराहट है। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली ने कायमा कमेटी यानी कि स्टैंडिंग कमेटी के इजलास के हवाले से अपोजिशन को टाइट करने का फैसला किया है, इसमें भी एक डेस्परेशन नज़र आती है और कहा गया है कि स्टैंडिंग कमेटीज़ के इजलास जब हाउस होगा उस वक्त होगा, क्योंकि और इसका मकसद ये है कि जो अपोजिशन लीडर्स जो नैब की गिरफ्त में है वो स्टैंडिंग कमेटीज़ के कवर में हाउस में आके अपने घंटे सुबह से लेकर रात तक ना गुजारे, मगर स्टैंडिंग कमेटीज़ के इजलास नहीं हो पाएंगे क्योंकि हाउस के जब हो रहा होता है सुबह से लेकर शाम तक वो उसमें काम चल रहा होता है और स्टैंडिंग कमेटीज़ के लिए वक्त नहीं बदलता। इसमें भी एक आपको फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है। तरीके साहब की हुकूमत में सजा याफ्ता और ज़ेर समात मुकदमात में ये मुलविस सियासतदान जो है इस हवाले से भी टेलीविज़न चैनल्स उनके इंटरव्यू करते हैं, उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। गैर मामूली चीज़ है जब हुकूमत को इंटरवीन करना पड़ा और कई चैनल्स पे कई इंटरव्यूज़ के दौरान बाकायदा उनको रोक दिया गया, इससे बहुत ही ख़राब तासर हुआ है। इसके अलावा कुछ चैनल्स को तो बंद भी कर दिया गया और तीन चैनल्स के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई हुई। ये भी एक घबराहट की निशानी है, झल्लाहट की और गुस्से की निशानी है जो कि हमने देखी है, सामने आई है। और उसकी एक और बड़ी तस्वीर नज़र आई जब
हुकूमत ने यह फैसला किया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को उनके अहल खाना की जेल में मुलाकात के सिलसिले में उसमें कोई कंसेशन नहीं दिया जाए बल्कि उसमें सख्ती की जाए। और इससे भी ज़्यादा ये कि जनाब नवाज शरीफ को जो घर से खाना आता था उसको रोक दिया गया और कहा कि वो जेल का खाना खाए। और ये भी एक जाहिर है कि ये बात शो कर रही है कि बहुत गु़स्से में है हुकूमत की फैसला साजी और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान। माहौल बहुत ही ज़्यादा टेंस है और यकीनन उसकी वजूहात मुख्तलिफ है। मैंने आपसे अर्ज़ किया कुछ पे उनका कंट्रोल है कुछ पे उनका कंट्रोल नहीं है, मगर बहरहाल उनको लीडरशिप दिखानी है और इन मामलात को हैंडल करना है। और इस मामले के लिए यकीनन उनके लिए एक मुश्किल घड़ी है और इसमें आज फिर इजाफा हुआ है और बड़ा इजाफा हुआ है जब एहतसाब अदालत के जज, जो पाकिस्तान में जो एहतसाबी निज़ाम चल रहा है, दो बड़ी अदालतें उसमें बड़ा कलीदी किरदार कर रही हैं, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत एक, एहतसाब अदालत नंबर दो, 60-60 मुकदमात एहतसाब के हवाले से पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप की इन अदालतों में हैं सियासी लीडरशिप के। और वहाँ के एक जज के हवाले से ये मामलात सामने आए हैं कि वो इंतहाई मुतनाज़िया शख्सियत थी और इंतहाई मुतनाज़िया कंडक्ट के हामिल थी और इस हवाले से उन्होंने जो कुछ किया वो सबके सामने है। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जाएगा। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो मामले पर पिटिशन की समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच मंगल को इस केस की समाअत करेगी। अहम बात यह है कि बेंच के दीगर जजेस में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज यानी जनाब जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस शेख अजमत सईद शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के तीनों मौजूद जज साहबान नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा केस के फैसले की भी समाअत कर चुके हैं। गोया के पैनामा केस के फैसले के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की इस पर समाअत रही है और जो आगे चल के एहतसाब अदालत में इस हालत को पहुँचा है, वो भी ये तीनों जज साहबान जो हैं अब इस पूरे मामले को असरनो देख रहे हैं। एक शहरी की शिकायत पर जो कि पटिशन दायर की गई थी, चीफ जस्टिस ने इस मामले पर अब नोटिस लिया है और इसको फिक्स किया है समाअत के लिए। दरख्वास्त गुजार का मौकफ यह है कि जज अरशद मलिक के इल्ज़ाम बहुत संजीदा नौयत के हैं, जबकि मरियम नवाज़ की जारी करदा वीडियो से तासुर मिलता है कि अदलिया आज़ादी से काम नहीं कर रही और ब्लैकमेल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट अदलिया की आज़ादी का तासुर दुरुस्त करे, ये एक पटिशन है जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी जो कि अब मंगल से जिसकी समाअत शुरू होगी। पूरे माहौल पे बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर माहिर कानून हैं, बहुत सीनियर माहिर कानून हैं, साबिक वज़ीर कानून भी रह चुके हैं, जनाब इफ्तिखार हुसैन गिलानी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, फरमाइएगा आपका पहला तासुर क्या है ये जो जज साहब का आज ख़ास तौर पर जो एफिडेविट सामने आया है जो उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा कराया। ऑब्वियसली बैकग्राउंड वो वीडियोज़ है जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जारी की, व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन, आपका क्या तासुर? मेरा तो ओवरव्यू बहसियत एक शहरी के और फिर बहसियत एक वकील के कि अब इस केस में कुछ नहीं रहा, ये बड़ी ज्यादती होगी इसके बावजूद भी अगर ये कन्विक्शन कायम रहे। मुझे तो इल्म नहीं है, गालिबन अपील हुई होगी हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट को चाहिए कि वो कहे कि ये फेयर ट्रायल हुआ ही नहीं है। इससे पहले कामरान साहब, हालांकि आईन में ये फंडामेंटल राइट नहीं था, अब 18वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 10A आ गया है जो साफ कहता है कि आपका फेयर ट्रायल हो और ड्यू प्रोसेस हो। ये कैसे फेयर ट्रायल है कि जब जज कहते हैं हाँ मेरी बातें तो हुई हैं लेकिन इनको तोड़ा गया। और आपको शायद याद होगा भी कि मोहतरमा को अल्लाह मगफ़िर नसीब करे, उनके ख़िलाफ़ केस था उस वक्त, हफीज़ पिजाज साहब और मैं हम कर रहे थे वो केस सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक ऑडियो मिली थी सिर्फ जिसमें मलिक कयूम साहब तब जज थे, उनको कहा जा रहा था कि आपने करना है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करके सारी कन्विक्शन सेटिसाइड कर दी। तो यहाँ तो बड़ा क्लियर है, ये तो अब वीडियो है आ गया है और इनकार इसलिए नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ने उनको तब्दील भी कर दिया। वीडियो तो एक पोजीशन है ना जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पेश की है, वीडियो जिन्होंने जारी की। आज जज साहब कहते हैं कि दरअसल वो एक अंडर ड्यूरिस काम कर रहे थे, वो ब्लैकमेल हो रहे थे, उनको धौंस धमकी मिल रही थी और ये सारी सिचुएशन थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो फैसले दिए वो मेरिट पर दिए, लेकिन उन्होंने एक पूरे चार्जशीट जो है और बहुत ही ग्रूसम उसमें चार्जेस लगाए हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई है। बाकायदा वो एक बड़ी कंप्लेंट उन्होंने फाइल करी है। नहीं नहीं, ये मानने की बातें नहीं है।
कामरान साहब आपका भी तजुर्बा, मेरा तो 75 से मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, और मुझे जैसे आपने फरमाया बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं ओवरव्यू हम क्रिमिनल उसमें कामरान साहब हमेशा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि हाउ डू यू फील अबाउट दिस केस, इस केस से बदबू आ रही, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा निटी गिटी कि उन्हें क्या कहा उन्हें, अब ये बदबूदार हो गई बात, और क्रिमिनल केस बदबूदार हो जाए फिर ये कानून गोल्डन प्रिंसिपल है। मगर एट द सेम टाइम हम जब बात करते हैं कि जो इल्ज़ामात इन वीडियोस में जो मरियम साहिबा ने जारी किए थे उनको सर्टेन किया जाए, उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक किया जाए, तो हमें ये भी तो देखना होगा ना, जस साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जो एक बहुत चार्जेस उन्होंने लगाए हैं कि उनको किस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा था, किस तरीके से उनको अंडर ड्यूरेस रखा गया, और वो किस कैफियत से गुजरे, आखिर उसकी भी तो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना। कामरान साहब अगर ये सच होता तो उसी वक्त जज साहब को शिकायत कर देना चाहिए थी, अगर इसमें कोई सच्चाई होती। अब जब दूसरी बात आई है तो आप कहते हैं नहीं उल्टी बात करना, देखे ना अब ये लोगों को एक बचकाना तरीके से डाइवर्ट करना मेन इशू से। जज साहब से मेरी ये अर्ज है कि आप दयानतदार आदमी हैं, आप पे एक प्रेशर पड़ रहा था, आपने क्लियरली कहना था, आपने कंटेम्प्ट नोटिस देना था, रोज नहीं देते कंटेम्प्ट, इससे मामूली बातों पर कंटेम्प्ट नोटिस दे देते कि जी मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और या मैं नहीं करना चाहता केस। बड़े सारे जजेस अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में होता है, वो कहते हैं जी कि हमें ऐसे आदमी ने अप्रोच किया है, आई डोंट वांट टू डू दिस केस। ये कोई बात हुई, मैं कह रहा ना कि अब उनकी उम्र से ज़्यादा कामरान साहब, मेरा सुप्रीम कोर्ट का तजुर्बा है, तो मेरा तजुर्बा तो ये कहता है कि बदबूदार हो गया। लेकिन आप जो एलिगेशंस के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि ये जज साहब को कम्युनिकेट करने चाहिए थे, क्योंकि ये बहुत एक्सेप्शनल केस है जो कि अंडर मॉनिटरिंग था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिस तरह इसका इनिशियल फैसला दिया था, फिर इन्वेस्टिगेशन, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जज, सुप्रीम कोर्ट जज जो थे वो नॉमिनेट किए थे, जो मॉनिटर कर रहा था इस पूरे केसेस को, तो ये लाजिम था जज साहब पे कि वो इस पूरी कैफियत को, जो कि बहुत गैर मामूली कैफियत है जिसमें वो जिसका वो इजहार कर रहे हैं, कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो मॉनिटरिंग जज है उन तक तफसीलात ये ज़रूर फराहम करते जज साहब। नहीं, सुप्रीम कोर्ट बेचारे का तो कोई कसूर ना हुआ ना, ये तो जज साहब आपने बड़ी बुनियादी बात कर ली है, और ये बिल्कुल साबित करते हुए बात जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर जज, जैसे आपने कहा कि सुपरविजन हो रही थी, मॉनिटरिंग हो रही थी, इमीडिएटली इनको बताना चाहिए था कि आप मेरे केस मुझे मॉनिटर कर रहे हैं, मेरे साथ ये तमाशे हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो इसमें कसूरवार नहीं है। ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इसका नोटिस ले लिया है, मतलब वहाँ पे एक पिटीशन थी और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है, और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है कि ये जो इसका पूरा एक वाइडर जो इसके असरात है वो अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी। जाहिर है कि अपील तो जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो आप कैसा देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का अब इसमें बराह रास्त एक आ गई है, अब कि इसकी बाकायदा समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट में? इसके कामरान साहब बिल्कुल दो सेपरेट पैरेलल सिलसिले चलने हैं, एक कि उस केस पर क्या असर होगा, वो मैं कह रहा हूँ वो केस ख़त्म होना चाहिए, दूसरा ये कि इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी बिल्कुल होना चाहिए, वो अपनी जगह, जैसे मैंने कहा बदबू तो नहीं रुक रही ना, मैं ही कह रहा हूँ कि उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि जज ने सही कहा, उसका कॉन्डक्ट कैसे था, आप उस उनको तो उनके गले में से तो फंदा निकाले ना जिनको आप ने कन्विक्ट किया इस कस्म की हालात में। मैं ये कह रहा हूँ इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए बजिए चेहरी ये है कि खुदा रहा जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीम टू बी डन, नज़र आए कि इंसाफ हो रहा है, जब नज़र ही नहीं आ रहा कि इंसाफ हुआ इस केस में, कैसे आप इसको और मफरूजों से और निटी ग्रिटी और कौन वो अजीब व गरीब कस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं बाज मिनिस्टर साहबानों की कि ये खुदा रहा को बच्चे मत बने, बचपन नहीं है ये, दीज आर वेरी सीरियस मैटर्स, कल यही आप खड़े होंगे इस कटहरे में,
फिर आपके साथ भी ऐसे होगा, फिर उस वक्त होना नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूँ। ये जो हालात बनाए हुए हैं, ये जो पकड़ धक्कड़ हो रही है, वो 11 साल मार्शल लॉ में भी इतने तमाशे आप नहीं हुए। रिलीफ की बात कर रहे हैं, आप जो इंसिस्ट कर रहे हैं कि जिनके खिलाफ ये फैसला दिया इन जज साहब ने, पहले उनको रिलीफ दिया जाए, यानी कि नवाज शरीफ साहब को, तो ये काम तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होना ना, ये तो सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना, जहाँ उनकी अपील पेंडिंग है, ये तो वहाँ पे इसका फैसला कर देगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो रिलीफ देना है नवाज शरीफ को या नहीं। नहीं, रिलीफ तो हाई कोर्ट से मिलेगा जहाँ पेंडिंग है। आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट विल नॉट इंटरवीन नाउ। हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, आई मीन इट्स नॉट अ कोर्ट, कोई लोअर कोर्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और उनको फैसला कर लेने दें। उस फैसले के खिलाफ जो फरीक पे चाहे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हाई कोर्ट को अब चाहिए कि इन हालात को मद्देनजर रखते हुए बड़े शॉर्ट्स ऑर्डर देना चाहिए, बस कि द एंटायर थिंग हैज बिकम सस्पेक्ट, दैट इज अनफ। इतना लफ्ज भी, यानी दिस इज अनफ इन लॉ कि द एंटायर केस हैज बिकम सस्पेक्ट। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये देखना है कि वो माहौल जो कि एक जानब रिफ्लेक्ट हो रहा है मरियम नवाज की वीडियोस में जज साहब के हवाले से, एक माहौल वो जो है जो जज साहब ने अपना एक एफिडेविट आज दिया है वो क्या था, और एक उन्होंने प्रेस रिलीज पहले दी, तो ये एक ओवरऑल माहौल की अक्कासी कर रहा है, और इस एहतसाब अदालत में जो कुछ होता रहा है फिर जज साहब के कॉन्डक्ट के हवाले से करना है, ये एक मैक्रो इशू है, ये जो है इसको उस लेवल से ये सुप्रीम कोर्ट एड्रेस करेगी, और जो फैसला है उसकी अपील है वो तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट तो ये देखेगी कि निज़ामी इंसाफ के हवाले से इस पूरे मामले की वजह से जो उसको थ्रेट हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट उसको डिटरमिन करेगी। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैंने जैसे आज की कामरान साहब, ये बड़ी ज्यादती होगी कि उस केस को इस मामले में घुसेड़ लें। केस की अपनी जगह वो सस्पेक्ट हो गया है, उसमें अपना ऑर्डर होना चाहिए, बाकी इन्वेस्टिगेट सर आंखों पे, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल द पावर्स। लेकिन अगर इसलिए कहते हैं कि जी हम केस को तब देखेंगे जब भी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, दैट विल बी रॉन्ग इन माय व्यू। मैं बहसियत लॉयर ये समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती होगी कानून के साथ, आईन के साथ, कि जी हम तब उस केस को देखेंगे, पहले हम इन्वेस्टिगेशन कर ले। आप भले इन्वेस्टिगेशन करते पड़े, There's no case anymore। आप ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो बाकायदा एक अपील है और ऑलरेडी पेंडिंग थी, उसके बाद ये डेवलपमेंट सामने आ गई, लेकिन उसमें देखना तो होगा ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जो मेरिट ऑफ द केसेस क्या हैं, मेरिट ऑफ द केस क्या है, एविडेंसेस क्या हैं जो नैब ने दी थी जिसकी बुनियाद पर जज साहब ने फैसला दिया। जज साहब ने जो भी फैसला दिया वो उसको एक तरफ रखे, लेकिन फिर भी जो मेरिट ऑफ द केस है उसमें जो आर्गूमेंट सामने आए हैं वो अब फ्रेश इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो देखेगी। नहीं, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं ना जी कि मेरिट, अब मेरिट को नोबडी शुड टच मेरिट्स नाउ। वी आर नॉट टॉक ऑफ मेरिट्स, वी आर टॉकिंग ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस हुआ है नहीं हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, अब आर्टिकल 10 ये मेरा फंडामेंटल राइट है। अब जब ड्यू प्रोसेस में रुकावट पड़ गई है, केस खत्म हो गया, अब उसके बाद बाकी जो होता फिर होता फिरे। मैं फिर आपका मशकूर, आप कह रहे हैं, आई एम वेरी क्लियर इन माय माइंड। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सीनियर कानूनदान हैं इफ्तिखार गिलानी साहब की, आपने राय देखी आज पाकिस्तान के दूसरे अहम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माहरीन कानून हैं जो कि एडवोकेट्स हैं, उनकी इस पूरे माहौल पर क्या राय है उसकी एक सैम्पलिंग हम आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट चूंकि 1843 के अंदर उन्होंने इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को खुद इसे इंक्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि उनका अपना फैसला है और उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही थी और उस मॉनिटरिंग के बावजूद इतना बड़ा सवाल उठ गया कि ये फैसले कैसे आए और ये कैसे लिए गए, और या जज अगर फैसले नहीं भी गलत लिए गए और कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा था, तो जज मॉनिटरिंग जज ने कैसे अपने आप को मिसकंडक्ट किया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बावजूद। सो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को अलग से, क्योंकि उस वो क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि 1843 का सवाल यहां पे उठता है और कोई और उसकी इंक्वायरी नहीं कर सकता, खुद सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा। क्या इससे बजाते खुद उनके किए गए फैसले खत्म हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, फैसले हुए हैं, उनके खिलाफ अपील
अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है, उस अपील में इन तमाम मामलात को देखा जाएगा। उनकी जो मियां नवाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त है उसमें इनको ग्राउंड बनाया जा सकता है, दवाई या शहादत के तौर पे इन मामलात को पेश किया जाएगा, उसकी बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर फैसला करता है। इन जज साहब के सामने की गई तमाम कार्रवाई अगर मशकूक करार पाती है, उनका किरदार मशकूक करार पाता है और ये फैसला होता है कि ये तमाम कार्रवाई जो है शफाफियत के उस मैार तक नहीं पहुँचती जो एक अदालती अमल के लिए जरूरी है, तो उस सूरत में तमाम कार्रवाई को हजफ करके दोबारा से रिट्रायल का हुक्म जो है वो दिया जा सकता है और आमतौर पर ऐसी सूरत में दिया जाता है। मगर देखते हैं होता क्या है, क्योंकि दो पैरेलल जगह पे अब ये मामला पहुंच गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये मामला पहुंच गया है, और देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या इकदाम है जो सुप्रीम कोर्ट करेगी, किस तरह से इसको मामले को कवर करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हमें पता है, मगर इसका एक संजीदा और एक सीनियर कानूनदान से इसकी राय लेंगे जनाब आबिद हसन मिंटो, हमें इसका जवाब देंगे एक छोटे से वक्त के बाद। जज अरशद मलिक से मुंसलिक वीडियो स्कैंडल के पस मंजर में दो अहम सवाल हैं जो कलीदी सवाल हैं। एक तो ये कि क्या जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वीडियोज़ पेश की और जो इसके बारे में उनका दावा है कि उनके पास मजीद वीडियोज़ और ऑडियोज़ मौजूद हैं, क्या वो बातें अगर सच साबित होती हैं तो क्या जनाब नवाज शरीफ को इन तमाम मुकदमात में, नैब के तमाम मामलों में और जो मामलों जज अरशद मलिक के सामने पेश हुए कोई फ़ायदा होगा, क्या उनकी रिहाई मुमकिन हो जाएगी और क्या उनके ओवरऑल जो उनके खिलाफ नैब की कार्रवाइयाँ चल रही हैं या अदालती निज़ाम में जहाँ पर वो इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पे उनको कोई बड़ा इसका फ़ायदा होगा, कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं। दूसरी जानेब ये सवाल है कि अगर ये साबित हो जाता है जो इल्ज़ाम जज अरशद मलिक ने लगाए हैं कि उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी, वो धौंस और धमकी के तहत काम कर रहे थे और उनको वो इसी धौंस और धमकी के तहत नवाज शरीफ साहब से भी मिले थे, हुसैन नवाज शरीफ से मदीने में मिले थे, अगर वो इल्ज़ाम सही साबित हो जाते तो उसका कितना नुकसान होगा जनाब नवाज शरीफ पे और उनके ख़ानदान के दूसरे लोगों पे। मगर बुनियादी तौर पे एक आम तासुर यही है कि क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वीडियोज़ पहले आई थी, उसमें तमाम चीज़ें सामने आई और जज अरशद मलिक का जितना रिस्पॉन्स है वो सारा उसी रद्द अमल में सामने आया है जिसको इससे पहले उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया था। ये तमाम मामलात हैं जिस पर हमें बहुत ही एक संजीदा राय लेनी है, कानूनी और बहुत ही सोबर और संजीदा राय, जिसके लिए हमने एक बार फिर तकलीफ दी है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर सीनियर तरीन कानूनदानों में से एक माहिर आइन कानून जनाब आबिद हसन मिंटो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिंटो साहब, ये पूरा स्कैंडल आपके सामने है, जज साहब के हवाले से वीडियो सामने आई, अब जज साहब ने पहले एक प्रेस रिलीज दी थी, आज उन्होंने एक बड़ा तफसीली बयान जारी कर दिया है और जिसके तमाम इंदरजात भी सामने हैं, इस पूरे जो कजिया है इस पे आपका तासुर क्या हुआ, आप क्या जैसे इसको देख रहे हैं एक ऑब्जर्वर की हैसियत से आपने क्या महसूस किया? देखिए, एक ऑब्जर्वर की हैसियत से और एक ऐसे शख्स की हैसियत से जिसने 60 साल अदालतों में मुकदमे किए हैं, सुने हैं और ख़ुद उनमें हिस्सा लिया है, मेरे लिए ये एक अजीब व गरीब वाक़ा है कि एक जज जो है जो इस वक्त मौजूद है और अपने पेशे से मुंसलिक है, वो पब्लिक स्टेटमेंट्स दे रहा है, एफिडेविट्स दे रहा है, उसकी वीडियो बन रही हैं, उसकी ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये सब एक डीजनरेशन और ख़राबी की निशानदेही करता है। ये कोई एक वाक़ा तो नहीं है, ऐसे कई वाक़ात और हुए हैं, तो ये मेरे लिए तो बहुत अफसोसनाक बात है कि ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, किसको फ़ायदा पहुँचेगा, किसको नहीं फ़ायदा पहुँचेगा, कितना उसने झूठ बोला है, कितना उसने सच बोला है, ये सारा तो आगे की कार्रवाई के दौरान साबित होगा। ये तो ऐसा तो नहीं है कि उसने एक बयान दे दिया और उसकी बुनियाद के ऊपर सारे काम जो हैं वो बंद हो जाएंगे, ये किसी प्रॉपर प्रोसीडिंग के अंदर ये बयान जाएगा और उसको देखा जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो शायद जो कंसर्न अदालत है वो उसको बुलाए और उसके साथ सवाल जवाब करे और दूसरे लोग भी जो मुतासर होते हैं वो भी उनको भी हक होगा कि वो सवाल जवाब करें और जरा करें। तो ये एक लंबी प्रोसीडिंग है लेकिन अफसोसनाक प्रोसीडिंग है, ये आपके सामने ही है कि किस तरीके से ये सारा वाक़या हुआ है
और किस तरीके से ये हमारे सामने एक अच्छा बहुत बड़े स्कैंडल के तौर पर। बिल्टर साहब, ये बता दिया गया है कि इसके लिए जो कि असल मामला है कि जो उन्होंने फैसले दिए हैं जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने धौंस धमके का एतराफ़ किया है, उसके लिए उन्होंने शवाहिद पेश किए हैं, सबूत दिया है, वीडियोज़ दिए हैं और 2-3 वीडियोज़ दिए हैं, बताया कि वो एटमेल अपनी बात कर रहे हैं, तो वो मामला तो तय होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जहाँ पे नवाज शरीफ साहब की अपील पेंडिंग है और ये इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसी मुनसले का मामले में एक पिटीशन वहाँ मौजूद थी, उसको टेकअप कर लिया है। 16 मंगल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार जस्टिस शेख अजमत सईद इसकी अब हेयरिंग करेंगे, तो ये तकसीम कैसी होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगी? और ये तो हमें पता है कि जो एहतसाब अदालत की जज का फैसला है वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिटरमिन करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या देखेगी? अब भाई पहले तो सुप्रीम कोर्ट को यही देखना पड़ेगा कि उनको इस मौके के ऊपर जबकि मुख्तलिफ मुकदमात मुख्तलिफ जगह पेंडिंग हैं और एक बयान या बयान अल्फी आ गया है जिसका कोई इम्पेक्ट उन मुकदमात पर हो सकता है, क्या इस स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट है वो मामले का कोई नोटिस ले और इसमें कोई दखल दे या इस कार्रवाई को उस तरीके से चलने दे जैसे अदालतों में होता है कि ये जो भी नए बयान आए हैं और चीज़ें सामने आई हैं वो कंसर्न्ड अदालतों में जहाँ पे मुकदमे चल रहे हैं या ओरिजिनल कोर्ट में या कोर्ट ऑफ अपील में जहाँ मुकदमा पेंडिंग है वहाँ पे चले हैं और वो लोग फैसला करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब आखिर में जाएगा तो वो फैसला करेगी। एकदम सुप्रीम कोर्ट उसको पकड़ के कोई फैसला तो क्यों नहीं कर सकती, करानी चाहिए। आपके ख्याल में जो ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले इस वाक़े का, क्योंकि ये अदलिया के इमेज के हवाले से मामला है, आवाम का निज़ाम इंसाफ पे जो मुतासिर हो रहा है मुसलसल जो एतमाद उसका मामला है, ये एक सिर्फ जज की वीडियो का या उनके बयान हल्फी का मामला नहीं है, ये उस फैसले का मामला है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही दिया था और जज जस्टिस नासिर सईद खोसा के सामने ही इससे गुजरा है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसका को इसमें जो है वो इंटरवीन करना चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस मामले को टेकअप भी कर लिया है, आप नहीं समझते कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है? हाँ, देखिए 16 जुलाई को जो उन्होंने बुलाया है तो उसमें तो पहले तो यही फैसला करेंगे ना कि वो इंटरवीन करें और वो एक हाईएस्ट कोर्ट जो है इस मामले में दखल दे या ना दे या इसकी कोई प्रॉपर प्रोसीडिंग किसी दूसरी अदालत में या उस अदालत में जिसमें ये सारे मसले उठे हैं वहाँ पे शुरू हो, तो इसलिए ये अभी तो इस तरह से नहीं होगा कि भाई उन्होंने 16 जुलाई की तारीख दे दी, अभी तो वो पार्टीज़ को सुनेंगी ना कि भाई हम लें ना लें, ज्यूरिसडिक्शन हमारी है नहीं है, ये ओरिजिनल कोर्ट में जाना चाहिए या कोर्ट ऑफ अपील या हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील में यह मामला जाना चाहिए। जो बातें कुछ ऐसी हैं जो कि वो समझते हैं कि अदालती निज़ाम को मुश्किल में डाल सकती हैं या उसके मुतालिक सवालात उठा सकती हैं, उनके बारे में वो नोटिस ले सकते हैं और कह सकते हैं कि ये ना किया जाए वो ना किया जाए, ये प्रोसीडिंग्स जो हैं ये प्रॉपर गोया आप ये समझते हैं कि ये जो वाकया है जिसमें कि ये पाकिस्तान की जो कलीदी एहतसाब अदालत है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के और साबिक सदर के मामलात जो डील कर रही है उसके हवाले से जज साहब के जो ये तमाम मामलात सामने आए उसके जज के कंडक्ट के हवाले से ये इतना सीरियस मैटर नहीं है कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी हेयरिंग करे और इसको देखे कि ये पूरा निज़ाम जो है ये किस सूरत हाल से दो चार है और फिर इन तमाम मामलात को देखे जिससे कि आपके नज़दीक ये इसका तकाजा नहीं करता ये वाकया जो है। भाई 16 जुलाई उन्होंने इसीलिए तारीख दी है ना ये देखने के लिए कि आया ये मामला इस स्टेज मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट इसका वो तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी, आपके क्या राय है? भाई मेरे ख्याल में तो यानी चूंकि इन मुकदमात में बड़े बड़े नाम आते हैं और उनका जिक्र आता है और उनके खिलाफ मुकदमात हुए सजाएँ हुई ये वो फलां तो इसलिए इसकी अहमियत तो बढ़ जाती है, लेकिन हमारे मुल्क में इंसानों की हकूक़ के तमाम वो मुकदमात जो अदालतों में जाते हैं वो बड़े अहमियत के मालिक होते हैं ना, तो हर एक को टेकअप तो नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट उनका फ़ैसला ऊपर से कर दे, तो इसलिए 16 जुलाई को ये सारी बात तफसील से ज़ेर बहस आएगी और अगर वो समझेंगे कि उनको इंटरवीन करना चाहिए तो करेंगे। आपकी क्या राय, उनको इंटरवीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये केस इतना सीरियस है या नहीं है?
इसमें इतनी सीरियसनेस है? सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ना, मैं क्यों उनको ये कहूँ कि करें या ना करें। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये मामला तो अहमियत का है लेकिन इसको एक निचली सतह पर चलना चाहिए और सारे कवायफ वहाँ पे पेश होने चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए, फिर हम सुनेंगे जब अपील में आएगा, ये भी वो कह सकती है। हर सीरियस मामले के लिए ज़रूरी तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट उसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में उठा ले। ठीक हो, ये संजीदा मामला है ना, बहुत बड़ा मामला है, एक इशू है जिसमें कई चीज़ें खुद पूरे निज़ाम के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, तो इनको तो थॉरली देखना चाहिए, वो सिर्फ एक अदालत में आखिरी तौर पर तो नहीं देखना चाहिए। यकीनन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद हसन मिंटो साहब हमारे साथ मौजूद थे, कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे क्या इस वाकये के नतीजे में जनाब नवाज शरीफ की वाकई जान छूट जाएगी, चाहे ये बात साबित भी हो जाए कि मरियम नवाज शरीफ की पेश करदा वीडियोस मुस्तनद है, जो बात इल्ज़ाम लगे हैं वो भी दुरुस्त है, लेकिन क्या फिर भी जनाब नवाज शरीफ की जान छूटने वाली है? ये दूसरे केसेस हमारी इत्तला के मुताबिक तैयार हो रहे हैं, इसमें भी किस हद तक रिलीफ मिलेगा? फिर पाकिस्तान के सियासी जो करीबी मुस्तकबिल है इस केस के क्या असरात होंगे, बहुत अहम तजिया करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। आज इस प्रोग्राम में हमने बारहा साबित किया, माहरीन इस बात से कोई किसी सूरत से उनको इनकार नहीं है कि ये मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अदालती तारीख में और चेकर्ड अदालती तारीख का एक और बहरान है, हर लिहाज से अदालती बहरान है, जजेस के इमेज के हवाले से, इंसाफ के हवाले से, निज़ाम इंसाफ के हवाले से, अदालतों में इंटरफेरेंस के हवाले से, दबाव के हवाले से, हर लिहाज से पाकिस्तान एक बार फिर, पाकिस्तान का अदालती और निज़ाम इंसाफ एक बहुत ही मुश्किल घड़ी में खड़ा है। इस वक्त मामला है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का, उन पर चलने वाले मुकदमात पर, उनको जो सज़ा दी गई उसका, और इस हवाले से जज अरशद मलिक का जो पूरा किरदार है वो इस प्रोग्राम में आपके सामने रहा है। यकीनन एक तहलका खेज सूरत हाल है जो हर सूरत से नज़र आ रही है। नवाज शरीफ के खिलाफ सज़ा का फैसला दहल चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस ले चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला पहुंच गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ निगाहें मरकूज़ है कि वो इस फैसले का क्या करती हैं। लेकिन इसके बावजूद आज मैंने कोशिश की हुकूमत के अहम लोगों की, उन लोगों की जिनका बेतहा इन्फ्लुएंस होता है हुकूमती मामलात में, रियासती मामलात में, कि वो इस पूरी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं। ये गैर सियासी शख्सियात हैं और इनका कहना ये है कि यकीनन ये एक बहुत ही एक टमल्ट आया है, एक ज़रूर हलचल पैदा हुई है लेकिन इससे पूरी तस्वीर बदलने वाली नहीं है। उनका इसरार ये था कि इससे ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी और दूसरे सियासतदानों के ख़िलाफ़ करप्शन के जो मुकदमात चल रहे हैं, जो जिन इल्ज़ामात का उनको सामना है, उस पर इसका कोई असर पड़ेगा, ना ही इन मामलात का, ये इस किस्म के मामलात का, इस वाले मामलात इस मामले का, इससे ये इम्कान पैदा होगा कि नवाज शरीफ कहीं बिल्कुल छूट जाएं, उनके खिलाफ कोई और कार्रवाई ना हो। उन्होंने कहा कि इस बात का भी इम्कान नहीं है। मजमूई तस्वीर इन ज़राए का कहना है कि वो तब्दील नहीं होगी, यकीनन ये एक हलचल वाली कैफियत है, ये इसमें खलबली वाली कैफियत ज़रूर है लेकिन इससे मजमूई हालात में तब्दीली नहीं हो रही। इसके अलावा ये भी मुझे बताया गया है कि जनाब नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नैब में कुछ और केस बन रहे हैं, कुछ और केसेस बन रहे हैं, और ये दावा किया गया है कि कुछ नई मालूमात हासिल हुई है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और ख़ास तौर पर जिसका ताल्लुक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और जनाब नवाज शरीफ के हवाले से है। गोया कि वो गोया हुकूमत की मशीनरी, नैब और जो उसके साथ दूसरी मशीनरी काम करती है, वो भरपूर इस बात पर डिटरमिंड है कि जनाब नवाज शरीफ के मामलात को, शरीफ ख़ानदान के मामलात को, जरदारी के मामलात को, जरदारी ख़ानदान के मामलात को इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना है, लॉजिकल एंड तक ले जाना है। लेकिन इसके साथ ही इस बात पे किसी को इनकार नहीं है कि नवाज इमरान खान इस साल को, अपने इख्तदार के पहले साल को जिस वक्त वो मुकम्मल करने जा रहे हैं, वह कठिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और जिसका जिक्र हमने प्रोग्राम में ऊपर भी किया है, और ये मुश्किलात यकीनन बहुत ही कठिन हैं। अपोजिशन जान पकड़ रही है लेकिन क्या इससे बाकी पाकिस्तान का मजबूती सियासी मंजरनामा तब्दील होने वाला है या नहीं, जनाब नवाज शरीफ के हवाले से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या कोई बड़ी नई जान मिलने वाली है या नहीं, क्या जरदारी साहब को इस पूरे माहौल में कोई रिलीफ मिलने वाला है या नहीं, इन तमाम मामलों पर बात करते हैं। और आज की पूरी इस कौमी सियासी सूरत हाल का तजिया करने के लिए मैंने पाकिस्तान के दो बहुत ही मुस्तनद इंडिपेंडेंट
एनालिस्ट, तजियाकार और बहुत ही थिंकर्स है, बहुत ही रेनाउंड थिंकर्स हमारे साथ हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस तदरीस से मुंसलिक रहे हैं, तजियात और इसके अलावा रिसर्च स्कॉलर रहे हैं। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस हमारे साथ हैं। हमारे साथ एक बार फिर ज्वाइन करें आमिर अहमद ख़ान, पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ सहाफ़ी रहे हैं, मैगज़ीन हेरल्ड को एडिट किया है, एडिटर रहे हैं, इसके अलावा BBC की उर्दू सर्विस, साउथ एशिया सर्विस को लीड किया है, बहुत ही रेनाउंड जर्नलिस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, हमें आपने ज्वाइन किया है। रसूल बख्श रईस साहब, आप बताइए कि क्या आपके नज़दीक क्या इंपॉर्टेंस है ये जो जज अरशद मलिक से रिलेटेड जितना कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई है, उसका जो भी फॉल आउट आपने देखा है, उससे मुंसलिक जितनी भी चीज़ें हैं, इसका असर आपके नज़दीक बिल आखिर होगा क्या? इस वक्त तो लगता है कि मुस्लिम लीग नून के हिमायतों को और उनके रहनुमाओं को काफ़ी मवाद मिला है जो सोशल मीडिया पर भी डाल रहे हैं और जहाँ कहीं जो रेगुलर मेनस्ट्रीम मीडिया है उनको जगह मिलती है उसको भी वहाँ भी उछाल रहे हैं। तो इस वक्त वो जो मासूमियत है नवाज शरीफ की, उसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ये भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जज अरशद मलिक साहब पर दबाव था। लेकिन दूसरी जानब हम ये देखें कि दबाव क्या कुछ इदारों की तरफ से था या दबाव नवाज शरीफ से जो ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग हैं मशकूक किस्म के जो उनके साथ हमेशा रहे हैं। और ये भी मालूम हुआ है कि जज साहब रेमंड की यात्रा भी कर चुके हैं और वहाँ उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई है। इन तमाम चीज़ों के बारे में तहकीक ज़रूर होनी चाहिए, मवाद ज़रूर मिला है। क्या इससे मुल्क का सियासी नक्शा तब्दील होने जा रहा है या इससे ये बात साबित होती है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई? क्या ये वो शवाहद जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इकट्ठे किए हैं और जो नायब ने अदालतों के सामने रखे हैं या मीडिया के सामने आए हैं, क्या वो बिल्कुल बेवज़न हो चुके हैं? ऐसा नहीं लगता। और ये भी मुझे एहसास है कि मुस्लिम लीग नून को एक मवाद तो मिला, कुछ एनर्जी तो मिली है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो एक बहुत बड़ा सियासी तूफान पैदा करके अवाम में दोबारा से कोई ऐसी हिमायत हासिल कर सकते हैं कि मुल्क का अदालती निज़ाम भी ख़त्म हो जाए, जमहूरियत भी, पार्लिमान भी और अक्सरियत रखने वाली हुकूमत भी चलती बने, ऐसा मुझे नज़र नहीं आता। नहीं, आमिर अहमद खान, आप खान साहब, आप ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है इसका फॉल आउट क्या है? ठीक है, जो कुछ हुआ सबके सामने आ गया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसकी कॉस्ट क्या होगी, इससे क्या फ़र्क क्या पड़ेगा, क्या कुछ होगा कम अज़ कम इस वाक़े के बाद? कमरान खान साहब, आपने देखा कि 90 की दहाई में कोई 3-4 दफ़ा हुकूमत बदली, और अगर आप उस तारीख पर एक मुख्तसर सी नज़र डालें या आप उसको बारीकी से भी देखें तो आपको एक चीज़ बड़ी वाज़ह नज़र आएगी कि कभी भी वो हुकूमत बदलने के या पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में तब्दीली आने की कोई एक बहुत बड़ी वजह नहीं थी। वो ढेर सारी छोटी छोटी वजूहात एक वक्त के ऊपर इकट्ठी होकर उन्होंने एक माहौल ऐसा बना दिया था जिसके अंदर मौजूदा निज़ाम, उस वक्त जो निज़ाम मौजूद था उसका उसी तरह से चलते रहना मुमकिन नहीं रहा, लिहाजा उसके अंदर तब्दीली लानी पड़ी। तो उसी के अपने नज़र के सामने रखते हुए मैं काफ़ी यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर कोई ये कहे कि ये जो जज अरशद मलिक कंट्रोवर्सी है इसकी वजह से कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी या निज़ाम हिल जाएगा या ये हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है ये सही नहीं है। लेकिन ये उस अमल का हिस्सा ज़रूर है जो अगर इसी तरह से चलता रहा तो वक्त के साथ साथ छोटी मोटी और भी चीज़ें इसके साथ आकर मिलेंगी, और यकीनन ये थोड़े से वक्त की बात है कि एक ऐसा माहौल इस मुल्क के अंदर बन जाएगा जबकि सब पैर वाज़े हो जाएगा रियासत की इदारों के ऊपर भी और अवाम के ऊपर भी कि ये मौजूदा निज़ाम जो है अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो उसमें मुल्क की कोई बेहतरी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कदम है उस अमल के अंदर, एक कदम है ये कोई बहुत मोमेंटस, कोई बहुत बड़ी चेंज तो नहीं ला रहा ये पूरी कंट्रोवर्सी, लेकिन स्टिल कौमी जो हमारा तशक्कुस है, जो हमारा अदालती तशक्कुस है, हमारा जो निज़ाम इंसाफ है, पूरा माहौल जो कौमी माहौल है, उस पर इसके कुछ असरात हैं या ये कि ये कतई तौर पर ये बिल्कुल मीनिंगलेस ये चीज़ है? नहीं, मैं समझता हूँ कि बड़े मानी खेज इसके असरात पड़े हैं और पड़ रहे हैं।
कि अदालत आलिया और अदालती निज़ाम के खिलाफ अवामी सतह पर जो रुझान है वो इतना खुशगवार नहीं है और कभी था ही नहीं। और जो इस वक्त के हिजब इख्तलाफ है उसने कुछ इदारों को टारगेट किया हुआ है, उसमें फौज और अदलिया मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सामने हैं। जो उन्होंने अपनी जो प्राइवेट बात होती है या मीडिया में होती है या सोशल मीडिया में होती है, तो ज़ाहिर है इस किस्म के जो वाक़यात रूनमा हुए हैं माजी में, और ये छोटा वाक़या नहीं है, ये बहुत बड़ा वाक़या है और ये अदलिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बहुत चैलेंज है कि कैसे वो तहीर करते हैं अदालती निज़ाम की और कैसे वो अवाम का एतमाद बहाल करते हैं। इस वक्त तो हिज़्ब इख्तलाफ की यह कोशिश है कि अवाम का एतमाद अदलिया पे ना हो, फौज पे ना हो, इदारों पे ना हो। आपने फरमाया, मगर आमिर अहमद खान साहब ये बताइएगा कि हिज़्ब इख्तलाफ की कोशिश हो या ना हो, मगर इस किस्म के वाकयात जो सामने आ रहे हैं, एक ये वाकया आप देखें और उसमें जो जो गुफ्तगू है, जो जो पोजीशन ली है जज साहब ने, पहले प्रेस रिलीज में, फिर उसके बाद, और जिस किस्म की वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे और जिस किस्म के वो सेंसिटिव केसेस सुन रहे हैं और उसके साथ उनके उनके रोज़ शब इस किस्म के हैं, उसके अलावा ये जज हैं जो कि पाकिस्तान के सियासी लीडरशिप की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं जिनके खिलाफ हुकूमत ने एक बड़ी संगीन शिकायत कर दी है, सिंध हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ शिकायत कर दी है, अदलिया से मुंसलिक और बहुत सारे मामलात हैं। ठीक है, मुल्क के मौजूदा सियासी निज़ाम पे और हुकूमत पे कोई ये हिला देने वाला नहीं है, उसको अनसीट करने वाला नहीं है, लेकिन जो निज़ाम अदल है, जो तासुर है, जो इमेज है अदलिया का, जजेस का, वो तो एक बहुत ही शदीद इम्तहान से नहीं गुजर रहा। मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल सही कहा जी, और इसको इस शदीद को आप जितना मज़ीद इसकी शिद्दत के अंदर इजाफा करें तो वो भी कम होगा इस सूरत हाल को बयान करने के लिए। देखिए कामरान खान साहब, एहतसाबी अमल जो होता है वो किसी भी मुल्क में हो, वो पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, जहाँ उस अमल को सही तरीके से आगे लेकर चलने के लिए एक अच्छा कानून चाहिए होता है और एक मजबूत रियासती मशीनरी चाहिए होती है, वहीं पर उस एहतसाबी अमल की क्रेडिबिलिटी जो है वो उस अमल की रीढ़ की हड्डी होती है। और ये जो वाकया हुआ है अरशद मलिक साहब का, इससे उस रीढ़ की हड्डी ने ज़रब खाई है और इसको ये मामला ख़ुद ब खुद सुलझने वाला नहीं है। अब इससे कतई नज़र कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर आप कहते हैं कि जी नए सबूत आ गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, आप नए मुकदमे बना देते हैं, मरीम नवाज शरीफ साहबा के ख़िलाफ़ आप नए मुकदमे बना देते हैं। मैं कहता हूं कि ये इतना सिग्निफिकेंट है ये वाकया कि अब आप उनको 10 नए मुकदमे भी इन रहनुमाओं के ऊपर बना लें और आप हर तरह का सबूत ला कर पेश कर दें अदालत के सामने, लेकिन जो एहतसाबी अमल की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो ज़र्ब लगी है इस सारी कंट्रोवर्सी की वजह से, आप उनको 100% सही सजाएं भी दे लें लेकिन अवाम की नज़र में कभी भी वो सजाएं जो हैं वो इंसाफ नहीं समझी जाएंगी, नहीं समझी जाएंगी। और प्रोफेसर साहब आप ये देखें ना कि इससे पहले ये एक हम इसको आइसोलेशन में इस वाक़े को नहीं देख सकते, इससे पहले चेयरमैन नायब साहब के बारे में जो कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई है, जो वीडियो सामने आई है, जो सारी गुफ्तगू सामने आई है, वो हमारे एहतसाब के बाबा हैं, यानी कि वो चेयरमैन नायब हैं, वो सारा पाकिस्तान का एहतसाब वो कर रहे हैं। उसने भी तो एक तासुर छोड़ा है ना आवाम के जहनों में, चाहे उसको फॉलोअप हुआ हो, चाहे उसका कोई रिस्पांस हुआ ना हो, तो ये जो रियासती इदारों पे जो आवाम का एतमाद है, आखिर इसकी भी अहमियत है ना अपनी जगह, और वो कितना बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। इंतहाई बुरी तरह से मुतासर हुआ है और हो रहा है, और ये जिम्मेदारी तो अदालत आलिया की थी, हाई कोर्ट्स की थी, और जुडिशरी जो अजला में बैठी हुई है, सारे पाकिस्तान में फैली हुई है, उसकी थी कि सारी कौम की बल्कि दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं कि वो फैसला वज़ीर आज़म 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनकी किस्मत का फैसला कर रहे हैं, और एक ऐसा कंट्रोवर्शियल जज, हमें तो उनके किरदार के बारे में पहले मालूम नहीं था, लेकिन जब वीडियो आ गई, उनका अपना बयान आ गया, तो ऐसा मालूम होता है कि अदालिया अदालत के अंदर, अदालतों के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको ख़रीदा किया जा सकता है, जिनको बेचा जा सकता है, जिनको लगवाया जा सकता है, जिनको हटाया जा सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि निज़ाम की जो कलीदी कड़ी है, जो एक बुनियादी स्तून है पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का अदलिया, उसके ऊपर सियासतदानों का और आवाम का एतमाद ना हो, तो मैं नहीं समझता कि जमहूरियत या एहतसाब का अमल
मौसर तरीके से और अवाम के एतमाद के साथ आगे चल सकता है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है खान साहब, सुप्रीम कोर्ट पे यह मामला पहुंच गया है, एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हम बता चुके हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो नवाज शरीफ की सज़ा के हवाले से फैसला कर देगी इस केस के अंदर, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इसको देख रही है तो आई एम श्योर कि उसके सामने एक बिग पिक्चर है, ये पूरे जो उसके पास एक आईबर्ड व्यू है जहाँ से वो देख रही है कि उसके निज़ाम पे जिसके वो गार्डियन है और जिसमें चीफ जस्टिस साहब खुद जिसमें बैठेंगे और उसके बाद आने वाले चीफ जस्टिस साहब उस बेंच के अंदर शामिल होंगे, उनके सामने क्या मामला है? ये चीज़ तो वहाँ पहुँच गई है एक पिटिशन की सूरत में, लेकिन उन्होंने क्या डिटरमिन करना है? उनका चैलेंज बहुत ही सख्त और मुश्किल चैलेंज है कामरान खान साहब, क्योंकि उनके लिए ये मामला किसी एक जज का या किसी एक मुकदमे का या किसी एक वाक़े का नहीं है। आपने नोट किया होगा कि इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जो कि एक तरह से अपने अदालती जिम्मेदारियों से हट के तो वो उन्होंने सियासी मामलात के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी अपने टेन्योर के दौरान, उनके मुकाबले में हमारे हालिया चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने अपने सारे का सारा फोकस और अपना सारी की सारी तवज्जो जो है वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम उसके अंदर क्या क्या वो सही कर सकते हैं, किस तरह से उसको बेहतर कारकर्दगी की तरफ ले जा सकते हैं, अपनी तवज्जो उनके ऊपर रखी है। और अब इस पिटिशन को भी सुनते वक्त उनके जहन में यही होगा कि ये मामला एक चीज़ का नहीं है, किसी एक मुकदमे या किसी एक शख्स का नहीं है, ये बल्कि पूरे के पूरे निज़ाम का है। इसलिए जो उनको फैसला करना होगा इस मामले के अंदर, वो फैसला उनको ये सोच समझ के करना होगा कि इसका पूरे के पूरे निज़ाम के ऊपर और बड़े दूरदर्श असरात इस फैसले के क्या होते हैं। इसलिए ये एक इंतहाई मुश्किल मुकदमा होगा उनके लिए सुनना, और उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का इन्हिसार है, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की क्रेडिबिलिटी का, इस सारे एहतसाबी अमल की क्रेडिबिलिटी का, और अवाम का जो रियासती इदारों और अहम तरीन इदारा जिसके अंदर आपका निज़ाम अदल होता है उसके ऊपर अवाम का एतमाद जो है वो बहाल रखने के लिए जो फैसला करना होगा वो फैसला करना कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आमिर अहमद खान साहब, प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बशरई साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही इस बहुत अहम दिन का हमारा ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील के बाद फिर को इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ नासिर। It's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.